आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं षष्ठ भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा, उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का, मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100324 29, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120110117277, IFSC कोड PUNB0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार, श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री उज्जवल जैन गुड़गांव, श्री जिनेश जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री महेंद्र जैन, श्री अंशुल जैन, श्रीमती रीना जैन अम्बहा जिला मुरैना, श्री मानक लोधा, पुत्र श्री आशीष, पुत्र वधु मीनाक्षी लोधा जयपुर, श्रीमती कमला काला जयपुर, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन शालीमार बाग दिल्ली। आज ये अवसर आया है जो 3 लोग के नाथ के दरबार में हम समो शरण में जाकर बैठे हैं। यदि एक बार समो शरण के आप सभा में चले जाओ अंदर, अपन बहुत बार गए होंगे नाट और वाटका और इन सब में घूम घाम के आ गए, क्योंकि प्रलोभन तो बहुत मिलते हैं संसार के, लेकिन जब हमारी नजर बदल जाए सारे प्रलोभनों को छोड़कर गंधकुटी में पहुंच जाओ, समोसरण की सभाओं में पहुंच जाओ, तो समझना तुम्हारा भव क्या, भव का बीज नष्ट हो गया, आप कुछ भव में हमें मोक्ष मिलने वाला है। क्योंकि भाव बनाना बहुत मुश्किल है। आचार्य ने कहा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। हमारा पुद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य है, इसे हमने कहाँ लगाया है। यदि हमने पूजन पाठ आराधना दया परोपकार प्रेम में लगाया है तो ये खाद की तरह अच्छी खाद, और समय पर डाल दो और बीज डाल दो तो फल आ जाते हैं। और यदि बीज को पत्थर में रख दो तो खत्म हो जाता है, और यदि तिजोरी में रख दो तो 10-5 साल बाद तो राख ही मिलती है। हमारा भी ये मनुष्य जन्म है, यदि भक्ति और आराधना में लग जाएगा तो वो कहते हैं जो स्वभावते उपजे ना सजल मेघते कौन है काज। लोग कहते हैं, अभी आप लोग पूजा में पढ़ रहे थे कि भगवान मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे ले चलो, एक बार तो आपको आना पड़ेगा। लोग कहते तुम नेक सुदृश्य थे जग उतरत गए पार, हा हा डूबो जातो नेक निहार निकार। मेरे की उनने मना किया है क्या? ना वो रागी हैं, ना द्वेषी हैं, वो कम मना करते हैं। हमारे आत्म पुरुषार्थ से, हमारे परिणामों से मोक्ष मिलता, हमारे परिणामों से नरक मिलता। हमारे यदि परिणाम हमेशा ये हैं कि चाहे मुझे स्वर्ग भी नहीं मिले, चाहे मैं किंकर हो जाऊं,
लेकिन भगवान आखिरी दम तक तुम्हारे चरणों का सानिध्य मिलता रहा। क्या कहते हैं भक्ति में पूज्य पाद स्वामी कि भगवान मेरा कंठ अवरुद्ध मत करना आखिरी समय तक। कंठ अकेले नमोकार मंत्र बोलना नहीं है, अंदर से हमारी भावनाएं निकले कि बस अब परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और वो भी कहीं बाहर से नहीं आता है। ध्यान रखना, बाहर के धन को, बाहर की ख्याति को, बाहर की प्रतिष्ठा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब प्राप्त होती है, और अंदर तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है सिर्फ पर्दा हटाना है। तो हमें कोशिश करना है कि भगवान बनने में कोई देर नहीं है। एक बार एक गरीब आदमी था और जंगल में गया, संत से पूछा कि हम लकड़ी काटते हैं, हमें कुछ कभी मिलता नहीं, ज़्यादा तो पेट भर के खा पाते हैं, मुश्किल से वो भी पेट भर कहाँ खाता है, क्योंकि कहते हैं हे प्रभु इन गरीबों से बना क्या अपराध तेरा है जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। तो कहते हैं कि संत ने कहा आगे जाओ, आगे आगे जाना तो मिलेगा, और इतने में और लोग आ गए, लोगों ने भी सुना आगे जाना तो मिलेगा, और वो आगे गए तो आगे चलकर चंदन का वृक्ष मिला, और कुछ तो कहने लगे अब चंदन मिल गया अब क्या लेना, लेकिन जो ज्ञानी था उसने कहा नहीं, उनने कहा था आगे आगे जाना मिलेगा, और आगे गया तो चांदी की खदान मिली, बोले नहीं संत ने कहा था आगे आगे जाना, और आगे गया तो सोने की खदान मिली, और आगे गया तो रत्नों की खदान मिली, और आगे जाकर तो परमात्मा स्वयं हाथ बढ़ा दिए, कहने लगे तू सच्चा भक्त है अब मेरी गद्दी भी तुझे देता हूं। ध्यान रखना यही हालत हमारी है, जरा सा आगे बढ़ो, क्योंकि कहते हैं मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है, और हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत नाहक में बदनाम हो जाती है। जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, और हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। तो मौत ले जाए उसके पहले हम घर जाएंगे। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी, कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी, अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। माने वास्तव में हमारा घर क्या है, 84 लाख की योनियां घर नहीं है, हमें तो उस घर को पाना है जहाँ से फिर दर दर नहीं भटकना पड़े। और रही पंचम काल के मनुष्यों की बात, तो ये निकृष्ट काल है, और इसमें भी और हुंडा अवसर पुनी है, समझो कि जहर से भी अति जहरीले लोग हैं, आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है, कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। आपने देखा सिर्फ 25 साल में कितनी गिरावट आ गई हमारे जीवन में, पहले भले वो 3-4-5 चीजें बनती थी जीवन भर में, पंगत बोलते हैं उसमें, लेकिन कितना आनंद था। उधर से जब रायते वाला लेकर आता था तो जल्दी जल्दी उसको पी लिया करते थे लोग कि अब वो आ रहा है, बर्फी जल्दी मुंह में रख लिया करते थे कि वो आ रहा है, और क्या मना मना के खिलाते थे। आज जानवरों की तरह तसलों में रखा है, मर्जी हो खाइए, नहीं मर्जी हो भूखे चले जाइए। इतनी गिरावट, इतनी हीनता। तो ध्यान रखना, बहुत लोग पुण्यशाली होंगे, आज जाकर घर पर प्रयास करना कि आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा बैठ के आओ। हमें नहीं चाहिए ज्यादा धन, धन चाहे कम चलेगा, लेकिन कितनी सुंदर बात इरियापत में कही है कि भगवान जन्म जन्मांतर का पुण्य एकत्रित हुआ हो, और बचपन से लेकर अभी तक कोई पुण्य एकत्रित किया हो तो क्या करना, आपकी भक्ति का सानिध्य देना, आपके चरणों का सानिध्य देना। यहाँ बैठना पर्याप्त नहीं, आप समझ गए,
या तो लाइट माइक वाले को भी बैठना है, लेकिन वो बैठना नहीं है, हम भावों से परमात्मा की निकटता के लिए बैठेंगे। कितनी सुंदर बात आपने पुष्प चढ़ाते समय कहा था कि भगवान ये पुष्प क्यों चढ़ा रहा हूं, क्योंकि पुष्प जैसी सुगंधी मेरी आत्मा आज तक काम क्रोध कसायों के कारण दुर्गंधित हो रही है, बदबू आ रही है। आप बहुत खुशमत हो ना परफ्यूम लगाकर, क्योंकि वो बाहर की खुशबू है और वो भी जीवों की बदबुआएं हैं। लेना तो अंदर में इतना सुंदर व्यवहार बनाओ कि अंदर से तुम्हारा जीवन देखकर लोग कहें, क्योंकि कहते हैं अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलाती रही जिंदगी और तुम्हें भी भक्ति में लगाती रहे जिंदगी, और साल में एक आध बार दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ भक्ति के दीप कि तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी। हमें भक्ति से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार, क्योंकि अकेले कमाने से पैसा नहीं आता है। बिल्कुल सत्य घटनाएं, ब्रह्मचारिणी थे एक गांव में, वैसे चाची जी बोलते थे, उनकी बहन आई थी। और आप देखिए किस तरह से परमात्मा कभी कभी करवट पुण्य लेता है और कैसा हो जाता है। वो बहुत बहुत ज्यादा स्थिति नहीं थी, तो हमसे बोली हमें आपके साथ चलना। हमने कि चलना गांव में, तो पहले आपको पता कोई भी हो, सबसे मौसी जी मामी जी, कोई पड़ोसन की भी यदि पीहर से आया तो मामी जी, बहन आई है तो मौसी जी, चाची जी, ताई जी, सबसे अच्छे से बोलते थे। हमने कहा चलिए आप मेरे साथ। और रास्ते में कहने लगी कि हमें कुछ दान करना है। हमने कहा क्या करोगी, तो मुझे पता था उनकी हालत देख के लग रहा था कि अच्छी नहीं है। मैंने कहा मौसी कुछ मत करो, आप तो क्या करती हो। बोली मैं कहीं मंदिर पे फूल बेचती हूँ। मैंने कहा कितना कमा लेती हूँ। बोली दिन भर में 25 रुपये कमा लेती हूँ और कभी कभी तो 10 ही हो पाते। मैंने कहा आपका खर्चा कैसे चलता है। बोली मजे में चल जाता है, क्या करना है। मैंने कहा किराए का मकान है कि घर का। बोली किराए का है। हाँ देखिए दिल से अमीर होना चाहिए। फिर कहने लगी कि हमें कुछ लगाना है। मैंने कहा क्या लगाओगी, आप पे तो बहुत ज्यादा, आपकी स्थिति आप खुद बता रही हो, कभी होता है कभी कमाई बिल्कुल नहीं होती है। तो मैंने कहा आप रहने दो ना, जब होगा तब देख लेना। बोली अब क्या होगा, ध्यान रखना। उनने कहा अब क्या होगा, बच्चे हैं नहीं, पति मर गया है, तो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। फिर मैंने उन्हें बहुत समझाया, कहने लगी मेरे कान के बेच के मुझे दान में लगाना है। मैंने उनसे कहा नहीं बेचो, कभी मौके पर काम आ जाएगा, आप पर इतनी सी तो पूंजी, आप पे कुछ है। बोली नहीं हम पे तो 100 रुपये के करीब होंगे पूंजी में। तो मैंने कहा मत बेचो, ये आप पे पागल कान के ठीक थे उनके। मैंने कहा मत बेचो आप। लेकिन वो बोली आपको तो मैं कह रही हूँ ना कि मेरे लगा दो। मैंने कहा आपको मुसीबत में बीमारी में काम आएगा। उस औरत ने कितनी अच्छी बात कही कि बीमारी यदि बड़ी आ गई तो ये भी कब तक काम आएगा। और ध्यान रखना उसकी इतनी जिद थी, वो रोने लगी पैरों में पड़ के, कहने लगी दीदी आपको ये तो काम मेरा कराना ही पड़ेगा। और मैंने किसी जानकार को बोला, मैंने कि बोल रही है ऐसा कर दीजिए। और ध्यान रखना 3 दिन तक उस औरत ने अपने ही जो कुछ लाई फल अपने हाथ से, आचार्य जी के साथ में गए थे हम उधर, बहुत साधु थे तो विद्यासागर जी के संग में हमने उसको, क्योंकि हमें जानते थे तो सब लोग, हमने साथ साथ ले जाकर उनको आहार दिलाया। अपने हाथ से कम 40 साधुओं को आहार दिया उसने। और पता चला 8 दिन बाद जैन मंदिर रोज जाती थी, माला फेर रही थी और वहीं से चली गई। माला फेरते फेरते चली गई। लोगों ने बताया कि माला तो हाथ में घूम रही थी और वो लुढ़क गई। हाँ ध्यान रखना ये पुण्य आई है। लोग वेंटिलेटर पर पैसा चला जाता है, कोर्ट कचहरियों में पैसा चला जाता है, ना जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। और आपको लगेगा वो बहुत त्यागी थी लेकिन बीमार हैं, तो आचार्य कहते हैं कि उनका हो सकता है पूर्व लाभ पाप कर्म का उदय हो, लेकिन अभी जो विशुद्ध भावों से कमाई की है वो साथ जाएगी। तो आप लोग जो लोग नहीं आए हो, समो शरण में सिर्फ नरक के जीव नहीं आते, ध्यान रखना। जिसे नरक आयु का बंद हो गया हो से आप कहोगे तो वो लड़ने में बैठ जाएगा, कहने लगे मुझे नहीं जाना,
भगवान का समोसरण आया, महावीर भगवान का। लोग कहने लगे बूढ़ी औरत है, ऐसे गरीबी है, इसे ले चलो, समोसरण आया है। तो लोग बोले चलो अम्मा, महावीर भगवान का समोसरण आया है। तो वो कहने लगी कल का छोकरा मेरे सामने घूमता था, मुझे सब देखा, मैं बड़ी हूँ कि वो बड़ा है, मैंने तो उसका बचपन क्या छोटा सा मेरे सामने पैदा हुआ, क्या भगवान वो कराएगा। लोगों ने सोचा इसका पाप कर्म का उदय है, और सूत काटती थी, तो लोगों ने कहा ले चलो इसे, इसका नहीं जा रही है, कम से कम थोड़ा तो पुण्य जग जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण ज्ञान औषध करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्र वधु राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, दृशका, लाइशा, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री मोतीलाल जीवराज गांधी, विकास मोतीलाल गांधी, शोभा विकास गांधी, अक्षय विकास गांधी, श्रुति अक्षय गांधी, भूषण मोतीलाल गांधी, वंदना भूषण गांधी, चेतन भूषण गांधी, आराध्या चेतन गांधी, दिलीप मोतीलाल गांधी, अनुप्रीता दिलीप गांधी, रयन दिलीप गांधी, सोनाली रयन गांधी, स्तुति सिद्धि आकृति नीरव, विख्यात चंद्र रियांश, निवासी पलटन जिला सातारा महाराष्ट्र, श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02122001011772777, IFSC कोड PUNB0002120। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।